हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत है मेरे चैनल अनलॉकिंग ज्ञान में। अगर आपके पास भी कुछ इस तरीके का कारवा मिनी रेडियो है और आप उसके प्री लोडेड सॉन्ग्स को सुन सुन के बोर हो गए हैं और आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से इसके प्री लोडेड सॉन्ग्स जो अंदर आते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में, डिफरेंट टाइप के सॉन्ग्स, उनको आप किस तरीके से परमानेंटली अंदर से चेंज कर सकते हैं, इस वीडियो में हम इस डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मगर वीडियो शुरुआत करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इस समय मेरे कारवा रेडियो मिनी के अंदर जो है बॉलीवुड के पुराने सॉन्ग्स हैं, हिंदी सॉन्ग्स हैं, इनको मैं चेंज करने वाला हूं। इसको चेंज करने के लिए करना बेसिकली हमें यह है, इसके अंदर एक पेनड्राइव अंदर लगी होती है बैक साइड में, यहाँ पे हमें उसको जो है बॉक्स को पूरा इसको टेयर डाउन करके इस रेडियो के अंदर से उस पेनड्राइव को ऑल चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इस तरीके की एक क्लिप लेंगे, जैसे मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो इस तरीके की आपने देखा होगा जनरली नोटिस बोर्ड वगैरह में इस तरीके की पिन लगी होती है, तो इस तरीके की पिन से हमें पहले इसकी इस जाली को आगे वाली को रिमूव करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे एक साइड से खोल दिया है और वैसे ही मेरे को थोड़ा सा प्रोसेस इस साइड भी करना है। तो कुछ इस तरीके का टूल यूज कीजिए जिस तरीके से आपको जो है नुकसान ना पहुंचे, आपको लगे ना, और ये जाली को भी कोई भी डैमेज ना पहुंचे। तो मैंने इसको देख सकते हैं मैंने सेफली जाली को ओपन करके हटा दिया है। इसके अंदर कुछ इस तरीके का जो है एक अंदर ब्लैक कलर की फिल्म लगी ताकि डस्ट वगैरह अंदर ना आए। तो ये हो गया है अलग। अब आप इसमें देख सकते हैं चार यहाँ पे स्क्रू लगे हुए हैं, इन स्क्रू को मेरे को ओपन करना है। तो इस तरीके से मैंने चार स्क्रूज को यहाँ पे खोल दिया है। अब इसके बाद हमें करना ये है, इसके बैक साइड से ये ओपन होगा, आगे से लूज करने के बाद ये बैक साइड से खुलता है। पांचवा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये असल में एक एलईडी इंडिकेटर यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ भी आपको छेड़ना नहीं है पांचवे वाले को। अब इसको जल्दी से पुल करने के लिए करते हैं कुछ ऐसा है, इसका एंटीने के मदद से इसको हल्का सा ऐसे पुल करेंगे तो आप देख सकते हैं ये बैक साइड से ऐसे खुल जाता है और यहाँ पे इसके एंटीना के कनेक्शन है। तो इस तरीके से हटाने के बाद हमें यहाँ पे सेफली आपको इस प्लेट को ऊपर उठाना है। तो यहाँ पे दो साइड से वो जो है सिर्फ किसी चीज़ से बंधी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे स्लाइड करके अंदर रखी गई होती है। तो सेफली अगर आप इसे ऐसे स्लाइड करके ऊपर निकालेंगे तो आप देखेंगे इस तरीके से ये बाहर भी आ जाएगी। तो बहुत सिंपली आपको इसको जो है हल्के हाथ से स्लाइड करके निकालना है। तो आधा मैं पुश यहाँ से करूँगा और आधा प्लेट की साइड से करूँगा और इस तरीके से निकालना है कि इसको डैमेज ना करें आप। तो आप देख सकते हैं मैंने हल्के हाथ से हल्का सा स्लाइड करके प्यार से इसे बाहर निकाल दिया है। तो इस तरीके की ये पेन ड्राइव होती है, जनरली वही पेन ड्राइव है जो आप बाकी आप वैसे भी खरीदते रहते हैं, मगर उसमें होता क्या है यहाँ पे केसिंग लगी होती है, इसमें केसिंग नहीं है। केसिंग ना होने का रीज़न ये है, अदरवाइज इस कॉम्पैक्ट जगह में अगर आप पेन ड्राइव फिट करके डायरेक्ट कोई भी लगाएगा तो वो अंदर इसमें बॉक्स में फिट नहीं हो पाएगी। तो अगर मैं आपको इसको पास से दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये वाली जो यहाँ पे मेमोरी की फ्लैश मेमोरी की यहाँ पे चिप लगी है ये है सैमसंग कंपनी की और यहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी यहाँ पे प्रिंट कर रखी है। तो यहाँ पे है 9 मई 2017 की है। तो इस तरीके का ये मॉड्यूल होता है। अब जल्दी से हम करने वाले ये, जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे पास अपनी खुद की पेन ड्राइव है जिसमें प्री लोडेड सॉन्ग्स मैंने जो है यूट्यूब लाइब्रेरी के इसमें भी रखे हुए हैं। तो बेसिकली ये वाली जो है ये भी थोड़ी सी मेरी अलग तरीके की है। इसमें मैंने किया क्या है, जो भी सैमसंग का मेमोरी कार्ड होता है उसको इसी वाले पेन ड्राइव में अंदर ऐसे स्लाइड करके लगा लेते हैं तो ये काफ़ी कम ऑक्यूपाई करती है स्पेस, और इस वाले को मैं यहाँ पे प्लग करके लगा दूंगा। तो यहाँ पे इसे प्लग करके लगा देते हैं और ये मैं आपको टेम्परेरी टेस्ट करने का तरीका बता रहा हूँ। तो अभी अगर मैं इसे ऑन कर दूँ तो आप देख सकते हैं ऑन हो गया है। तो इस समय गाना मेरी पेन ड्राइव से बज रहा है जो मैंने अंदर चेंज कर दिया है। तो आप देख सकते हैं इस समय इसके ये अपने सारेगामा मोड पे है मगर मेरी पेन ड्राइव वाले गाने इसमें बज रहे हैं। तो इस तरीके से आप समझ गए कि अगर आप चाहें और अगर आपकी पेन ड्राइव स्लिम हो तो आप सिंपली अपनी वह पेन ड्राइव को भी अंदर प्लग करके इसमें चेंज कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है वो पेन ड्राइव इतनी पतली और स्लिम हो ताकि वो इस कार्ड को अंदर फिट करके ऐसे करके फिट हो भी जाए।
तो ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका हम ये भी कर सकते हैं, जो इसमें कंपनी ने जो फिटेड करके पहले से स्लिम वाली पेन ड्राइव लगाई थी, हम चाहें तो इसके गाने को भी एक्सेस करके, इसको अपने लैपटॉप से लगा के इसके गाने अंदर डिलीट कर सकते हैं, या चेंज कर सकते हैं, या मॉडिफाई कर सकते हैं, या कोई भी आप जो ऑल्टरनेट चाहें वैसा इसमें कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके से मैं अपने लैपटॉप के यूएसबी पोर्ट टेप में इनकी ये जो पेन ड्राइव है वो यहाँ पे प्लग करके लगा दूँ, तो ध्यान रखना टूटे ना, क्योंकि एक शोल्डर है। और अगर इसके फोल्डर एक्सेस में यहाँ पे जाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूएसबी जो है यूएसबी ड्राइव डी बन के आ गई है। तो अगर इसके अंदर एक्सेस करके देखें तो आप देख सकते हैं ये जो एक इनकी लगाई हुई पेन ड्राइव है ये सिर्फ 1.74 GB की है, तो लगभग 2 GB ये रही होगी, और जिसमें 1.74 सिर्फ अवेलेबल है इसके अंदर डेटा स्टोर करने के लिए। तो अगर इसके अंदर जाके देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कंपनी ने यहाँ पे फोल्डर रखा हुआ है कारवा मिनी 2.0 फाइनल वर्जन, और यहाँ पे इसकी डेट बता रखी है, इसे लोड किया गया है 31 जुलाई 2018 में। अब इसके अंदर एक्सेस करके देखें तो आप देख सकते हैं इस तरीके से सारे के सारे सॉन्ग हैं। और अगर आप नीचे यहाँ पे देख सके कर्सर में आपको दिखाऊं तो इसके अंदर फोल्डर इस समय जो है गाने जो है 351 आइटम्स यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब 351 सॉन्ग्स हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप सिंपली जो भी गाना चाहें हिंदी का यहाँ पे, अगर अपना मनपसंद ऑल्टरनेट बदलना चाहते हैं किसी और गाने से तो आप यहाँ पे सिंपली कॉपी पेस्ट करके बदल ले, या फिर आप सारे गानों को सिलेक्ट ऑल करके जैसे आप करते हैं जो नॉर्मली सिलेक्ट ऑल करके डिलीट कर लें, या कॉपी करके कहीं बैकअप रख लें और टेम्परेरी इस फोल्डर में, जैसे आप अपने नॉर्मल पेन ड्राइव में भी गानों वगैरह को कॉपी वगैरह करते रहते हैं, मूवीज को करते रहते हैं, उसी तरीके से इसमें बस गानों को कॉपी पेस्ट करके रिप्लेस करना है। तो रिवर्स इसको जो पूरा का पूरा हमें पैक करना है उसका सारा का सारा प्रोसीजर भी सेम वैसा ही है। आपको सेफली बस यहाँ पे मैं अपनी पेन ड्राइव ये हटा के, आप अज्यूम कर लीजिए कि मान लीजिए मैंने अपने इसमें सॉन्ग डिजायर्ड सॉन्ग जो भी हैं वो बदल लिए हैं, और यहाँ पे इसको वैसे प्लग करके वापस अंदर लगा के यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, और उसके बाद कुछ नहीं करना है, इसको वैसे ही रिवर्स ऑर्डर में बस मेरे को वैसे ही पैक कर देना है। तो आप इसको पैक करते समय हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी जो वायर्स वगैरह हैं वो उसको आप ज़्यादा मोड़े वगैरह ना, वरना अदरवाइज जो है कहीं से कोई ना कोई शोल्डर टूट जाएगा, कुछ ना कुछ डैमेज हो जाएगा और आपको ज़्यादा काम इस पर पड़ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, जैसे आप देखिए मैंने इसको वापस अपनी जगह पे स्लाइड करके वैसे ही रख दिया है, और उसके बाद इसको हम इस एंटीना को वापस लगा देंगे। तो एंटीना पे लगाते समय ध्यान रखना ये जो वायर है ये इस वाले से ना टकरा के टूटे ना, वरना इसकी एएम की एंटीना वायर ये टूट जाएगी। तो इसको बस ऐसे करके प्लग कर देंगे वापस। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से अगर मैं सिंपली से वापस रखूँ, ज़्यादा अरेंजमेंट ना छेड़ूँ, तो आराम से दोबारा पैक हो जाएगा। और फिर करना बस सिंपली दोबारा वही है, इसके 4 स्क्रू जो मैंने उतारे थे ये 4 स्क्रू मैं यहाँ पे फ्रंट पे लगा दूंगा। अब बस इसकी जाली को लगाना बाकी है, तो इस फिल्म को हम वैसे ही रख देंगे वापस। ये बेसिकली डस्ट के लिए है तो इसको लगाना बहुत जरूरी है, और इसमें कुछ भी है नहीं, सिर्फ इसको लगाने के लिए सिर्फ इसको इस खाली वाले एम्प्टी एरिया में प्रॉपरली रखना है। तो इसलिए मेक श्योर कर ले कि जाली वगैरह बिल्कुल भी आप ना मोड़ें, अदरवाइज वो इस फिटिंग में दोबारा बैठ नहीं पाएगी। तो ऊपर की साइड से सीधा देखते हुए इसको प्रिसाइजली धीरे धीरे यहाँ पे पुश करके अंदर स्नैप कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 साइड से स्नैप हो गई है, ऐसी थोड़ा थोड़ा हर जगह इक्वली पुश करेंगे, बस इसको ओवर जो है आपको प्रेशर नहीं देना है, अदरवाइज जाली मुड़ जाएगी। तो अब यहाँ देखिए ये पूरी की पूरी जो है वैसे की वैसे मैंने रीअसेंबल करके वापस लगा दी है। तो होप इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि ऐसे छोटे छोटे अगर आप टेक्निकल इनिशिएटिव खुद भी लें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप खुद भी ऐसे छोटे छोटे काम कर सकते हैं, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।